नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि गर्मी सख्त हो, काम भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, गर्मी के रोज़े का क्या अजर ज़्यादा मिलेगा आम दिनों की नस्बत? जी हाँ, कराइन से साबित होता है कि गर्मी की में अजर अल्लाह ज़्यादा देंगे, क्योंकि जितनी तकलीफ़ होगी उतना अजर बढ़ेगा। जिस कदर प्यास ज़्यादा लगेगी और रगे खुश्क हो जाएंगे, यकीनन उसमें तकलीफ़ होगी, तकलीफ पर अजर मिलता है, अजर जो ज़्यादा मिलेगा इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह सवाल पूछा किसी साथी ने कि हमने सुना है कि नमक से रोज़ा करना, रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है, कि नमक करनी चाहिए, लाजमी है, यह सुन्नत है, यह अजर मिलेगा इसका? देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल अकवाल से तो खजूर सुन्नत है, खजूर साबित है। नमक मुझे नहीं मालूम कि किसी रिवायत में ऐसा हो, या हो सकता है कि आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जिसमें मनगढ़ंत रिवायतें जिक्र की गई हों, मौजू जिसको कहते हैं, मैं आम अल्फाज में बदारी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मनगढ़ंत, तो ये मुमकिन वहाँ आपने पढ़ा हो, लेकिन असल जो साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो खजूर साबित है। इसी तरह सवाल पूछा किसी साथी ने कि गुस्ल की ज़रूरत थी, मैं गुस्ल नहीं कर सका, रोज़ा रख लिया, क्या रोज़ा हो गया? जी हाँ, रोज़ा हो गया, लेकिन इसका कुछ ना कुछ नहूसत इसकी पड़ेगी, क्योंकि गुस्ल के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तिलावत नहीं कर सकेंगे, जिक्र कुरान की तिलावत नहीं कर सकेंगे, और इसी तरह नफिल नहीं पढ़ सकेंगे, नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, इशराक से भी महरूम हो गए होंगे, और दिन को आपने गुस्ल किया होता है, यकीन है।